नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, अगर आप सभी चाहते हैं अपने जीवन में खुशियाँ, अगर आप सुबह उठते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिसे करने से आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले आप आईना ना देखें। आप सभी ये जानते हैं कि आईना जो है रात में निगेटिव एनर्जी को रोकता है। मतलब सुबह सुबह अगर आपने ऐना देख लिया तो रात का जो भी निगेटिव एनर्जी था वो आपके ऊपर आ गया। इसलिए अच्छा है कि आप सुबह सुबह ऐना ना देखकर कुछ अच्छी चीजों को देखें। जैसे कहा जाता है, घी को देखना शुभ माना जाता है। या फिर आपके लिए जिनका फेस लकी हो आप उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि आप अपने माता पिता को देख सकते हैं, अपने बच्चे को देख सकते हैं, आप अपने जीवन संगनी को देख सकते हैं, साथ ही आप अपने भगवान जिसे आप बहुत मानते हैं, जिनसे आपका दिन की शुरुआत होती है, जिनसे आपके बनते काम हैं, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि जब आप सुबह उठकर घर का मुख्य दरवाजा खोलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको रात में सोते समय घर के मुख्य दरवाजा में तांबा का लोटा अगर आपके पास है तो उसमें जल भरकर आपको मुख्य द्वार पर रखना है। आप क्या करें, दरवाजा के अंदर से उस लोटे के जल को थोड़ा थोड़ा डालें। एकदम से नहीं डालना है कि आपको मुख्य दरवाजा आपका पानी पानी हो जाए, थोड़ा थोड़ा डालना है और हो सके तो शनिवार और रविवार को ये उपाय आपको करना है। बाकी बचे जल को आप अपने द्वार के बाहर में डाल दें। अब उसके बाद आप झाड़ू मार सकते हैं, लेकिन पानी डालने के बाद ही। इससे क्या होगा, अगर किसी ने रात में आपके घर में निगेटिविटी गलत क्रियाएं की हैं तो वह उसके घर पर ही चला जाएगा। और आप सभी ये टोटका को सातों दिन भी करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा। इससे आपके घर में कभी भी निगेटिविटी नहीं आएगी और हो सके तो आप अपने घर के सभी सदस्यों के पर्स में मोर पंख रख सकते हैं। ऐसा करना भी शुभ माना जाता है और आपके घर के सभी सदस्यों पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये उपाय से आपको अगर फायदे हुए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि सर्वप्रथम आपको आपके चैनल के वीडियो प्राप्त हो जाएं। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।